महोदय, हमारा यह विश्वास नहीं है कि आर्थिक विकास का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन लाभ का भी महत्व होता है, विशेष रूप से इसलिए, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि उनसे राष्ट्र की बचत में वृद्धि होती है, भविष्य के लिए निवेश की पूंजी मिलती है, कारखानों को आधुनिकतम रूप देने के साधन प्राप्त होते हैं आदि। लाभ प्रबंध कुशलता का भी एक कसौटी होता है और उससे पता चलता है कि कोई कारखाना कितनी अच्छी हालत में है, लेकिन सरकार की मूल्य बढ़ाने की क्षमता का इस्तेमाल करके मोटे लाभ नहीं कमाए जाने चाहिए। संयंत्र के और साधनों के अधिक अच्छे उपयोग, अधिक कार्य कुशलता और उत्पादकता तथा श्रमिकों का अधिक सहयोग प्राप्त करके ये अर्जित किए जाने चाहिए। लागत संबंधी सजगता भी पहले से ज़्यादा ध्यान में रखी जानी चाहिए। मेरा विश्वास है कि कई क्षेत्रों में क्षमता का पहले की अपेक्षा अधिक उपयोग हुआ है। इस सिलसिले को बनाए रखना चाहिए और जिन क्षेत्रों में क्षमता का उपयोग बेहतर उपयोग वाले क्षेत्रों की तुलना में कम हुआ है, उनमें विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत मशीनरी का ही नहीं बल्कि मनुष्य या जन साधनों का बेहतर उपयोग भी शामिल है। जब हम श्रम संबंधों या श्रमिकों की भागीदारी की बात करते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि श्रमिकों का मुंह बंद रखना है, हमारा उद्देश्य कहीं अधिक व्यापक है। उद्देश्य है काम काज में श्रमिकों के अंदर संलग्नता की भावना पैदा करना। जब मजदूर को पता होता है कि वह क्या कर रहा है, उसके योगदान से किस प्रकार समग्र उपलब्धि में कुछ जुड़ता है, तो मुझे विश्वास है कि वह अपना काम साथ भागीदारी की भावना से प्रेरित हों और पूरे उपक्रम के प्रति अपनत्व विकसित करें। यह हमारे लोकतंत्र की संपूर्ण भावना का एक अंग है। केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में भी हमारे लोगों को यह अनुभव करना चाहिए कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह उनका अपना काम है, उन्हें उस काम के ध्येय को समझना चाहिए और उसके संबंध में नए विचार भी देने चाहिए तथा अपने अनुभव बताने चाहिए। प्रायः वे लोग ही त्रुटियों को बता सकते हैं या नए उपाय सुझा सकते हैं जो निचले स्तर पर कार्यरत हैं। श्रमिक विवादों की संख्या बहुत कम हुई है। भाइयों और बहनों, भारत के 52वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। लोकतंत्र की महिमा है, आपका आशीर्वाद है और मेरा अहोभाग्य
कि मैं आज इस ऐतिहासिक लाल किले से आपको संबोधित कर रहा हूँ। इस स्वतंत्रता के लिए कितने लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, उसे अपने खून से सींचा, यह आप लोग जानते हैं। लोकतंत्र का यह महारथ अबाध रूप से चलता आया है और चलता रहेगा। इन 52 वर्षों के संघर्ष में इस बार लोकसभा के चुनाव हुए। आखिरी 10वां चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ। इन चुनावों में हमने आपकी प्रसन्नता देखी, आपकी नाराजगी देखी। समय समय पर जो भी आपने हमें प्रदान किया उसे हमने सिर आंखों पर लगाया और आप ही के आदेश पर हम चलते रहे। हम आपके हैं, आप में से आते हैं, आपके रहेंगे, यही हमारा पता है, यही हमारी पहचान है। इसके अलावा हमें किसी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं लोकसभा का चुनाव एक बड़ी दुखद घटना की छाया में हुआ। राजीव गांधी की निर्मम हत्या ने देश को जैसे निश्चेष्ट बना दिया। जिस नौजवान के बारे में सोचा जाता था कि इसने देश के नेतृत्व की समस्या को अगले 20-25 वर्षों तक पक्का कर दिया है, उसके ओझल होते ही जैसे हमारी आंखों के सामने अंधकार छा गया। लेकिन किया क्या जाए, हम जानते हैं कि जो आता है उसे जाना है। समय पर जाता है तो परेशानी नहीं होती, असमय जाता है तो सबको परेशानी होती है। आज तो हम इतना ही कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए भविष्य का जो कार्यक्रम बनाया था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर हम चलेंगे और यही संकल्प लेकर मैं आपके सामने यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। जनता ने हमें जनादेश तो दिया था सरकार बनाने का, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक बहुमत की आवश्यकता थी उसमें थोड़ी सी कसर उठा रखी थी। फिर भी हमने यही समझा कि जनता का आदेश है, हमें सरकार बनानी है, चलानी है और देश की भलाई के लिए जितना हमसे हो सकता है उसमें कोई कसर उठा नहीं रखनी है। एक चीज होती है राजनीतिक अधीरता, जो शायद हमारी विचार शक्ति का एक अंग बन चुकी है। इसलिए मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद यह अधीरता बेहद बढ़ गई और हम आज यह दृश्य देख रहे हैं। जब हम अपनी नीति तैयार कर रहे थे, हमने अन्य पार्टियों की राय ली थी।